हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेज़ रिप्लेसमेंट और फ्रेजल बर्क के कुछ क्वेश्चन जो कि सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनस को देखिए पुराने पैटर्न में जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते थे उसमें एक या दो वर्ड को रिप्लेस करने के लिए बोला जाता था लेकिन आजकल जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में उसमें पूरा का पूरा सेंटेंस आपको रिप्लेस करना होता है और उस पूरे सेंटेंस में जितनी भी आ, मिस्टेक्स हैं चाहे वो ग्रामर की मिस्टेक हो या लॉजिकल कनेक्शन की मिस्टेक हो वो सारी आपको कलेक्ट करके फिर आपको उस आंसर तक पहुँचना होता है तो जैसे कि ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है इन द फिशन रिएक्शन द न्यूक्लियर पावर जनरली रिलाय ऑन हैवी एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम ब्रेक्स इन टू स्मॉलर व्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए एक्चुअली आपका जो रियल सब्जेक्ट है वह है न्यूक्लियर पावर जो कि सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर आपको रिलायज बोलना पड़ेगा और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका वो है एलिमेंट्स यूरेनियम नहीं है यूरेनियम तो एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि सच एज यूरेनियम जो मेन सब्जेक्ट है वो एलिमेंट्स है तो इसलिए यहां पर आपको ब्रेक्स की जगह ब्रेक बोलना होगा अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस आप देखिए यहां पर रिलाइज दिया है तो ये सही है और यहां पर ब्रेक दिया है तो ये सही है और स्मॉलर इस भी इसमें सही है <coughs> तो इसमें आपका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा बाकी में इसमें रिलाइज दिया है वहाँ पर ब्रेक्स दिया है इसमें रिलाई दिया है ये गलत हो जाएगा ब्रेक दिया है आगे इसमें रिलाई दिया है ब्रेक दिया है तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेंदी क्वेश्चन है देखिए ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं टू नो बाय पार्स ए साइंस नोइंग द होल एज ए होल इज़ फिलोसफी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये सेंटेंस कंसिस्टेंसी का क्वेश्चन है इसमें जो सेंटेंस है वो इन इनकन्सिस्टेंट है ग्रामेटिकली तो सही है चूँकि यहाँ पर जरेंट पार्ट दिया है तो यहाँ पर टू प्लस वी वन आप नहीं लगा सकते इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सेकेंड वाला नोइंग बाई पार्ट्स इज साइंस नोइंग द होल एज ए होल इज़ फिलोसफी तो सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है तो उसको सही करने के लिए आपको सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं द बीजिंग लैंग्वेज एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी प्रेस द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ चाइनीज लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स सेज़ अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो है द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ चाइनीज लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो लार्जेस्ट पब्लिशर है जो कि सिंगुलर है इसलिए सेज इसमें सही है और साउथ कोरिया <coughs> एंड जापान आर देयर बिगेस्ट कस्टमर्स तो साउथ कोरिया और जापान जो है वो बिगेस्ट कस्टमर हैं वो किसके हैं बिगेस्ट कस्टमर वो बिगेस्ट कस्टमर ये लार्जेस्ट जो पब्लिशिंग कंपनी है इसके हैं तो इसलिए यहाँ पर इसमें आंसर क्या होगा यहाँ पर सेज जो है वो सही है लेकिन यहाँ पर ये जो देयर है ये गलत है ठीक है क्योंकि साउथ कोरिया और जापान जो कस्टमर हैं वो एक कंपनी के कस्टमर हैं और कंपनी जो है वो सिंगुलर हैं तो आपको देयर की जगह इट लिखना होगा और इट का आपको पजेसिव केस लिखना होगा क्योंकि साउथ कोरिया और जापान जो है वो बीजिंग लैंग्वेज जो कंपनी है जो पब्लिशिंग कंपनी है उसके कस्टमर्स हैं <coughs> तो यहाँ पर देखिए ये वाला इट्स नहीं आएगा क्योंकि ये वाला इट्स का मतलब होता है इट इज तो यहाँ पर पजेसिव केस आपको बोलना पड़ेगा ये वाला जो है इट्स ये बोलना पड़ेगा और सेज आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि यो जो सब्जेक्ट है आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो आपका सेंगुलर है तो यहां पर आंसर होगा आपका फोर तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है ये पर्टिकुलरली uh, इस तरह के क्वेश्चन आपके आईबीपीएस पीओ में और दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स में प्री में पूछे जाएंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन फ्रेजल बर्ब के क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन <coughs> तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं देर आर टू पीसेस टू मिस्टर कीट्स आर्ग्यूमेंट्स देट इंग्लिश इज ओपन सोर्स एज अदर लैंग्वेज आर नाट एंड देट इज़ वाई इट हैज़ स्प्रेड अब देखिए इसमें इस सेंटेंस में, में यहाँ से यहाँ तक तो सही है लेकिन यहाँ के बाद हम कुछ आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मिस्टर कीट्स के जो आर्ग्यूमेंट हैं उनके दो आर्ग्यूमेंट हैं उनको हम यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जब हम किसी आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पहले हम सेमी कॉलोन नहीं लगाते कोलोन लगाते हैं एक तो आप ये फैक्ट uh, याद रखिए सेमिकोलोन हम दो बराबर के जो दो इक्वल कैटेगरी के जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम सेमीकोलोन लगाते हैं जब किसी आइडियाज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोलोन का हम प्रयोग यहां पर करते थे यहां पर कोलोन का प्रयोग होगा <coughs> और इसमें हम ऑप्शन देखते हैं और यहां पर एंड से पहले ये सेमी नहीं आएगा ये गलत है इसमें तो इसमें एक तो आपको कोलोन चाहिए इसमें ठीक है तो इसमें आपका ये वाला सेंटेंस जो है सेकंड वाला सेंटेंस में है कोलोन इसमें ठीक है सेकंड वाले सेंटेंस में इसमें कोलोन है और यहाँ पर ये देखिए एक एंड से पहले यहां इसमें कॉमा लगा है तो ये सही है और दूसरा वाला दैट एक तो दैट उसके लिए लगा है कि दैट इज़ वाई का एक तो दैट है और एक दैट एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है ये एंड दैट क्योंकि यहाँ से हम दूसरा आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पहला वाला आइडिया एक इंट्रोड्यूस किया कि दैट इंग्लिश इज ओपन सोर्स एंड अदर लैंग्वेजेज आर नॉट और यहां से हमने चूँकि दूसरा आइडिया हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए एंड दैट बोलना पड़ेगा और ये वाला जो दैट है ये दैट इज़ वाई का पार्ट है तो इसलिए दो दैट इसमें सही है और यहां पर कॉमा इसमें लगा है तो ये सही है आ, कनेक्टर से पहले और यहां पर चूंकि हम आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कोलोन का प्रयोग यहां पर सही है तो इसलिए इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं द नंबर ऑफ फॉरनर्स गोइंग टू इंडिया स्पेशली सरोगेसी हैज हैजेटिकली इंक्रीज इन द रीसेंट ईयर्स अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है एक होता है ए नंबर ऑफ़ और एक होता है द नंबर ऑफ तो द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या और संख्या जो होती है नंबर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है तो द नंबर ऑफ के बाद एक तो यहाँ पर आपको सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर तो इसमें दिया हुआ है ये तो इसमें सही है बाकी ये वर्ड इसमें गलत है क्योंकि स्पेशली जो हम लगाते हैं ये एस वाला जो स्पेशली लगाते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल से हम पहले लगाते हैं जैसे स्पेशली मेड स्पेशली डन स्पेशली डिजाइंड ईडी जो फॉर्म होती है उससे पहले हम ये वाला एस लगाते हैं ठीक है नाउन से पहले हम ई e वाला स्पेशली लगाते हैं जिसका मतलब होता है इन पर्टिकुलर तो अब हम देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन होगा इसमें स्पेशली लगा है तो ये गलत हो जाएगा आपका इसमें स्पेशली लगा है और लेकिन यहाँ पर इसमें हैवे तो ये गलत हो गया यहाँ पर भी है वे गलत हो गया क्योंकि नंबर सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको हैज़ चाहिए तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही है इसमें स्पेशली सरोगेसी और हैज़ ड्रामेटिकली ठीक है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका फोर होगा एस पी ई सी आई ए डबल एल स्पेशली जो होता है वो पास्ट पार्ट पास्ट पार्टिसिपल से पहले आता है और स्पेशली जो होता है वो नाउन से पहले आता है तो इसको मैं अभी थोड़ा सा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ स्पेशली और स्पेशली में क्या डिफरेंस होता है <coughs> देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंस आपको बताया है कि इस्पेशली डेजिग्नेटिंग अ पर्टिकुलर पर्पस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है देखिए यहाँ पर माय सर्फ वोड वो स्पेशली डिजाइंड तो ये ईडी जो फॉर्म है इससे पहले हम एस वाला स्पेशली लगाते हैं ठीक है इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं देखिए यहाँ पर भी ये ई फॉर्म है थर्ड फॉर्म है मेड इससे पहले हमने स्पेशली लगाया है और ये वाला जो स्पेशली लगाते हैं इसका मतलब होता है इन पर्टिकुलर जैसे यहाँ पर यह सेंटेंस दिया है लव्स फ्लावर्स स्पेशली रोजेस मतलब पर्टिकुलरली रोजेस उसको फूल बहुत पसंद हैं लेकिन पर्टिकुलरली रोजेस कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं तो इस, इस वाले स्पेशली का मतलब होता है इन पर्टिकुलर और देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह भी लगा हुआ है ये एडजेक्टिव से पहले भी हमें यही वाला स्पेशली लगाते हैं ये वाला ई हम लगाते हैं <coughs> और स्पेशली शुड बी यूज प्रायर टू प्रपोजिशन एंड पास पार्टिसिपल्स और स्पेशली शुड कैन बी रिप्लेस्ड विद द स्नोलिम पर्टिकुलरली इट शुड बी यूज प्रायर टू नाउन एंड एडजेक्टिव्स तो नाउन और एडजेक्टिव से पहले हम ये वाला ई लगाते हैं इसका मतलब होता है इन पर्टिकुलर और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है जो ईडी फॉर्म होती है उससे पहले हम ये वाला स्पेशली लगाते हैं तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में <coughs> तो चलिए अब आगे हम देखते हैं देखिए ये क्वेश्चन ये है द टेंडेंसी टू ईट लेट दो इट नेवर बीन टेस्टेड प्रॉपरली मैनी न्यूट्रिशनिस्ट बिलीव एज ए फैक्टर इन पुटिंग ऑन वेट ठीक है काफ़ी जो न्यूट्रिशनिस्ट uh, ने जो काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि uh, रात में लेट खाना खाने से वजन जो है वो बढ़ता है उसके लिए एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो आप देखिए इसको सही कैसे करेंगे टेंडेंसी टू ईट लेट अपने आप में एक सब्जेक्ट है ठीक है रात में खाने की प्रवृत्ति ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है तो इसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर एज एम आर लगाना होगा तब ये सेंटेंस सही बनेगा तो इसलिए इसमें आप ये वाला जो ऑप्शन है इससे सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा द टेंडेंसी टू ईट लेट इज बिलीव्ड बाई मैनी न्यूट्रिशनिस्ट एज ए फैक्टर इन पुटिंग ऑन वेट ठीक है तो यहां पर यहां पर भी इज बिलीव्ड है इज बिलीव्ड बाय मैनी न्यूट्रिशनिस्ट टू बी ए फैक्टर ठीक है टू बी ए फैक्टर इन पुटिंग ऑन वेट और यहां पर है एज ए फैक्टर यहां पर टू बी की अपेक्षा एज ए ज्यादा प्रॉपर है क्योंकि ये एक फैक्टर की तरह काम करता है तो इसलिए इसमें यह वाला ऑप्शन आपका सही होगा ठीक है डी इसमें आपका सही आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन दो सब्जेक्टेड टू वेरिंग इन्फ्लुएंसेस द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ चाइनाज आर्टिस्टिक एक्टिविटी इसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें सब्जेक्ट है आपका डिस्टिंक्टिव फीचर्स प्लूरल है तो वर्ब जो है ये प्लूरल में ही आएगी पी ओ डबल एस ई डबल एस ये प्लूरल में ही है आ यूनिटी विच इज़ क्वाइट एज कम्प्लीट एज देट ऑफ वेस्टर्न आर्ट एज देट ऑफ का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है ठीक है डिस्टिक्टिव फीचर ऑफ चाइनाज़ आर्टिस्टिक एक्टिविटी पर जैसे यूनिटी विच इज़ क्वाइट एज कम्प्लीट एज देट ऑफ वेस्टर्न आर्ट मतलब एक यूनिटी को हम वेस्टर्न आर्ट की जो यूनिटी है उससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए डेट ऑफ का प्रयोग जो है यहाँ पर सही है डेट ऑफ आपको यहाँ लगाना होगा तो इसलिए और देखिए इस सेंटेंस पर देखते हैं ये सेंटेंस एक्चुअली सही है ये सेंटेंस सही है इसमें तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबब क्वेश्चन एट देखते हैं द नेचर ऑफ पार्थी सिस्टम हैज चेंज इन द पास्ट फ्यू डिकेट्स एंड द लेसन ऑफ द पास्ट डिकेट

तो इसके आगे आपको ये सारा हेड भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये यहाँ से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ये प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में है ये यह यहाँ पर ठीक है द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम हैज चेंज इन द पास्ट फ्यू डिकेट्स एंड द लेसन ऑफ द पास्ट डिकेट इज़ ऐसे आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर तो इज़ वाला जो सेंटेंस होगा वो सही होगा इज दैट द पार्टी द लजेंट होल्ड द वाइट हाउस हैज एवरी इंसेंटिव इसके अलावा इसमें हम एक फैक्ट को स्टेट कर रहे हैं इसमें हम एक फैक्ट बता रहे हैं और फैक्ट को हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से तो इसलिए इसमें आपका बी वाला जो सेंटेंस है वो आपका सही आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं लुकिंग एट द पाथ ऑफ जर्मन जी डी पी फैक्ट फैक्ट टोटल प्राइवेट सेक्टर हा आरस डिड नॉट फॉल बाय दैट मच इट बिकम्स क्लियर काफी टफ सेंटेंस है ये और जर्मन यूनिक रिसेशन एंड रिकवरी वॉज अबाउट मोर देन जस्ट इस चॉइस इन लेबर मार्केट पॉलिसी अब देखिए यहां पर बिकम्स का जो सब्जेक्ट है वो एट है ठीक है बिकम्स का जो सब्जेक्ट है वो एट है लेकिन लुकिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें और इट को आप एज ए कॉमन सब्जेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि इसमें लिखा है कि लुकिंग एट द पात ऑफ जर्मन जी डी पी मतलब हम जब जर्मन जी डी पी को देखते हैं ठीक है तो वो देखने का काम कौन करता है वो देखने का काम इट नहीं कर सकता क्योंकि इट का जो सब्जेक्ट है इट का जो वर्ब है वो तो बिकम है और इट लुकिंग पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि लुकिंग के लिए आपको एक अलग से सब्जेक्ट चाहिए तो इसलिए और इस इसके अलावा इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका मतलब होगा कि जब हम देखते हैं जब हम जर्मन जीडीपी की तरफ देखते हैं तो इसलिए इसमें लुकिंग वाले सेंटेंस नहीं आएगा देखिए ये वाला सेंटेंस आएगा इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसमें भी वन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर लुकिंग के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और हम सब्जेक्ट uh, जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ही होगा या शी होगा या क्या होगा चूँकि सब्जेक्ट इंडेफिनिट है हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है तो इसलिए हमें इंडेफिनिट्स प्रोनाउन uh, लेना होगा यहाँ पर और इंडेफिनिट प्रोनाउन uh, भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेना होगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में इस इस तरह के फैक्ट्स को हम नहीं बोल सकते तो इसलिए यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो ये होगा थर्ड वाला वेन वन लुक्स एट द पाथ ऑफ जर्मन जी डी पी तो ए बी सी इसमें आपका सही आंसर होगा टेन देखते हैं ऑन द बिलियन और शो ऑन द बिलियन और शो विंडो मशीन्स समी थ्री परसेंट स्टिल यूजेस देखिए ये भी एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है यहाँ पर चूंकि सम लगा हुआ है और सम जो होता है वो प्लूरल होता है इसलिए एक तो यहाँ पर आपको यूज़ लिखना होगा प्लूरल में और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रपोर्सन जो है वो सिंगुलर होता है तो इसलिए प्रपोर्सन को दिखाने के लिए यहाँ पर आपको इज़ लिखना पड़ेगा तो ये दो चीज़ें तो आपको ये चाहिए एक तो यहाँ पर यूज़ चाहिए और एक यहाँ पर इज़ चाहिए ठीक है तो इसके अलावा इसमें आप दो सेंटेंस को दो इक्वल सेंटेंस को जोड़ रहे हैं ऑन द बिलियन और सो विंडो मशीन्स समस्टी थ्री परसेंट स्टिल यूज ओल्ड एक्सपी वर्जन लॉन्च इन टू थाउजेंड वन एंड इन अमेरिका द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपी एक्सपी यूजर इज ओवर एटी एटी परसेंट इसमें दो सेंटेंसेस को चूंकि आप जोड़ रहे हैं दो इक्वल कैटेगरी के, के सेंटेंसेस को तो इसलिए इसमें आपको सेमी कॉलोन भी चाहिए और इन अमेरिका के बाद कॉमा इसमें लगा हुआ है यहाँ पर सेमी कॉलोन भी है ठीक है इसमें इस वाले सेंटेंस में देखिए एस बी है यहाँ पर यहाँ पर इसमें एस बी लगा हुआ है और यहाँ पर इसमें ये यूज़ भी सही है और इसमें एस भी सही है और यहाँ पर सेमी कलोन भी लगा हुआ है ये भी सही है अमेरिका के बाद कॉमा लगा है तो ये भी सही है इसमें तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है इसमें डी ठीक है बाकी के मैं देखिए इसमें यूज़ेज़ गलत हो जाएगा इसमें भी यूजेस हैलै इसमें यूज है लेकिन वहां पर इसमें आर है तो इसमें फोर्थ आपका जो ऑप्शन है वो सही है फोर इसमें आपका आंसर होगा सम के बाद हम यूज लगाएंगे क्योंकि सम प्लूरल है और प्रोपोर्शन सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगाएंगे और दो सेंटेंसेस को दो इक्वल कैटेगरी के सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं तो बीच में हम सेमी कोलोनल यहाँ लगा सकते हैं और इन अमेरिका के बाद थोड़ा सा एक पॉज आ रहा है तो वहाँ पर हम कॉमा लगा सकते हैं तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा यहां पर हम कुछ फ्रीजल बर्ब्स पढ़ेंगे जैसे स्टैंड पैट इसका मतलब क्या होता है स्टैंड पैट का मतलब होता है अपने माइंड को चेंज करने से मना कर देना इफ यू स्टैंड पैट यू रिफ्यूज टू चेंज योर माइंड अबाउट समथिंग ये मतलब है स्टैंड पैट का ठीक है ऑन द अदर साइड द मैन स्टूड पैट एंड वर अनईल्डिंग तो ये एग्जाम्पल सेंटेंस है ये एग्जाम्पल सेंटेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैंड पैट का मतलब है वैन यू रिफ्यूज़ टू चेंज योर माइंड अबाउट समथिंग यू स्टैंड पैट आगे हम देखते हैं स्टैंड ओवर इसके दो मतलब हैं एक स्टैंड ओवर का मतलब है कि क्लोजली किसी चीज़ को वॉच करना और किसी चीज़ पर एक टाइट कंट्रोल रखना ठीक है और दूसरा इसका मतलब है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना स्टैंड ओवर तो यहां पर हम देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस द पर्सन विल फ्रीकुंटली स्टैंड ओवर यू एंड कॉन्स्टेंटली गिव यू आगेटिव फीडबैक ऑन वॉट यू आर डूइंग तो ये एक अच्छा सेंटेंस है और स्टैंड ओवर का मतलब है स्टैंड समथिंग ओवर का मतलब है किसी चीज को पोस्ट पॉन कर देना जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ पॉइंट वोर टू अ फर्दर मीटिंग तो दो इसके मीनिंग है एक इसका मीनिंग है वॉच क्लोजली और दूसरा इसका मीनि, मीनिंग है पोस्टपोन कर देना चलिए हम आगे देखते हैं नॉकअप इस इस आ, फ्रेजल वर्ब के भी काफ़ी मीनिंग हैं लेकिन जो मेन मेन मीनिंग है वो मैंने बताए हैं यहाँ पर एक तो नॉकअप का मतलब होता है प्रैक्टिस करना गेम में रैकेट गेम में ठीक है और दूसरा मतलब ये है कि इफ़ यू नॉक समथिंग अप यू मेक इट और बिल्ड इट वेरी क्विकली जल्दी जल्दी में किसी चीज़ को बना देना और तैयार कर देना उसको मतलब इसका एक मीनिंग इम्प्रोवाइज भी हो सकता है जैसे कुड यू नॉक मी अप सम स्क्रेम्बल्ड एग नॉक मी अप मतलब क्या तुम तो मेरे लिए एक स्क्रैम्बल्ड एग बना सकते हो ठीक है जल्दबाजी में बना देना बिना किसी केयर के बना देना उसको हम बोलते हैं अप और सेम सेंटेंस मिलता जुलता सेंटेंस यहां पर है एनी वॉटर स्कीइंग इंथुजियास्ट कैन अप अ पेयर ऑफ स्की इन अ फ्यू आवर्स मतलब कोई भी स्कीइंग का जो खिलाड़ी है जो इंथुजियास्ट है वो स्की के पेयर Uh, कुछ ही कुछ ही घंटों में वो तैयार कर सकता है ये इसका मतलब है और नॉकडअप का मतलब एग्जॉस्टेड भी होता है जैसे यदि मैं बोलूँ कि आई एम नॉकडअप इसका मतलब है कि मैं थक गया हूँ दैवी वर्क नॉकड हिम अप तो एक ये भी इसका मतलब है रन डाउन का मतलब क्या होता है रन डाउन का बहुत ही वीक बहुत ही कमज़ोर और कोई अगर बिल्डिंग रन डाउन बिल्डिंग है तो बहुत ही जर्जर हालत में है बहुत ही एक तरह से कमज़ोर हालत में है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं रन डाउन द क्लॉक रैन डाउन बिकॉज नो वन वॉज देयर टू वाइंड इट मतलब क्लॉक की जो पावर थी चलने की वो कम हो गई थी खत्म हो गई थी क्योंकि उसको किसी ने उसमें किसी ने चाबी नहीं भरी थी तो रैन डाउन यहां पर सेकेंड फॉर्म आया है देखिए टू बिकम वर्ल्ड और डिलेपीडेटेड डिलेपीडेटेड मतलब जर्जर -जर हो जाना कोई बिल्डिंग वगैरह के लिए हम बोलते हैं तो ये एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है द प्रॉपर्टी वॉज अलाउड टू रन डाउन एंड एन टुक ऑफ मनी टू फिक्स इट अप द ओल्ड नेबरहुड दुड सर्टेनली रन डाउन सिंस वी मूव्ड अवे मतलब रन डाउन का मतलब है वीक हो जाना कमजोर हो जाना या जर्जर हो जाना तो इस तरह से ये फेजल बर्ब मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं काफी इंपॉर्टेंट फेजल बर्ब हैं और ये वीडियो के क्वेश्चंस और फेजल बर्ब कैसे लगे आपको यहां पर अपना जरूर फीडबैक दें इस ई मेल पर या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है इस पर भी कॉल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और यदि आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इस साइट से आप ले सकते हैं टेस्ट डॉट इंग्लिश एडवांटेज डॉट इन सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू